हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में होंगे और ज़्यादा गैदरिंग से आप लोग अवॉइड कर रहे होंगे। मैं कुछ न्यूज़ आज देख रहा था तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता है कि मतलब कि हेडलाइंस जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कुछ मतलब दिखाने की कोशिश कर देते हैं। तो उनमें से मैंने कुछ आप लोगों के लिए सिर्फ़ एक झलक कुछ पॉइंट्स कुछ क्या ज़रा आपसे शेयर करता हूँ। ज़रा देखिए आप और मुझे बताइए फिर। हाँ जी, आपने ये सारी पिक्स देख ली। खौफ और हरास सही है कि मतलब ताकि हम एहतियात करें, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि यार यहाँ पे क्या ख़र्चा हो सकता है। और उसके अलावा एक और भी मैंने आपको पिक्चर इसमें दिखाई है, उसमें था कि मौजें ख़त्म, घर बैठे हैं हम, बहुत मौजें कर रहे हैं। गुस्सा आता है हमारा जो मीडिया है वो किस टाइप का है। इसमें ये भी था कि उस्मान बुज़दार साहब ने, जो हमारे वज़ीर आला हैं, कि पंजाब में पाबंदी लगा दी, पंजाब में लॉकडाउन। अब उन्होंने ऐसा लगाया नहीं है, वो ये सिर्फ सोच रहे हैं कि लॉकडाउन करने का, लेकिन अभी तक किया नहीं है। लेकिन जो हमारा मीडिया है वो हतमी फैसला सुना देता है, वो ये कह देता है कि बस उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, पंजाब में पाबंदी लग गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें ना, अब ये डर, अब ये एक नया हमारे माइंड में एक मिथ पैदा कर देता है हमारा मीडिया। तो अगेन गुस्सा बड़ा आता है यार। अच्छे पहलू भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे देख के ना कभी कभी गुस्सा आता है। तो मुझे तो सीरियसली मतलब समझ नहीं आती कि हम बहसीत कौम सिर्फ मतलब लोगों को शायद डराने के लिए हैं, वो हमें डरा रहे हैं कि मतलब कि जी हाँ सरकारी जो मुलाज़मीन हैं उनकी मौजें ख़त्म। बाकी शॉप्स वगैरह हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं आजकल 10 बजे के बाद। जो शॉप्स पहले 2 बजे बंद होती थी वो अब 10 बजे बंद हो जाती हैं। तो लोग एहतियात कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो डॉक्टर थे वो बाहर के थे, वो ये बता रहे थे कि अपने हाथ जो हैं वो कम से कम 20 to 30 seconds के लिए आप लोग धोएं। तो ये मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतनी देर के लिए हाथ धो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे आपको फ़ायदा होगा कि कम से कम 20 to 30 seconds के लिए अपने आप हाथ धोएं। अच्छा होता है बाकी ज़्यादा मीडिया को आप लोग ना देखें। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि ज़्यादा मीडिया को आप ना देखें, ज़्यादा जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी हो जाती है, तो लोग मिथ्स बहुत क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, हालात नाजुक है, कोरोना एहतियात ज़रूरी है, कहते ना कोरोना एहतियात, तो आप सिर्फ एहतियात करें, बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ दें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी सामान में रखे। तो ये छोटी सी आज वीडियो थी, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अगेन ज़्यादा किसी की बात ना सुने। जो चीज़ आप सुन चुके हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं उतना ही करें, बाकी ज़्यादा मिथ्स क्रिएट ना करें, नहीं तो आपका जो दिमाग है वो ख़राब हो जाएगा और आप फिर परेशान रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जो कर रहे हैं वही बेहतर है। और अपना अगेन बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घरों में रहें, कोशिश करें बस। मिलते हैं जी फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।